इस फिल्म का नाम है डेड स्नो। इसमें हिटलर के जमाने के कुछ नाजी सोल्जर्स जिंदा हो जाएंगे और वो भी ज़ॉम्बीज बनकर। अब ये किस तरह की तबाही दिखाएंगे और किसको बनाएंगे अपना शिकार, ये पता चलेगा मूवी देखने पर। इसे डायरेक्टली एंजॉय करने का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाकर देख लेना। बाकी मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम नॉर्वे के बर्फीले इलाके ऑक्सफोर्ड को देखते हैं, जहां एक लड़की का नाम सैरा होता है। वो किसी से डरकर भाग रही होती है और अचानक से उसे बर्फ में एक ज़ॉम्बी निकलता हुआ दिखता है। उसे देखकर सैरा और भी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसके पीछे और भी ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं, जिससे घबराकर वो बर्फ से टकराकर नीचे गिर जाती है और एक पेड़ में जाकर अटक जाती है। तभी बर्फ से निकलकर कुछ ज़ॉम्बीज सैरा पर हमला कर देते हैं और वो उसे मार डालते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दोस्तों को कार में उसी इलाके की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये पूरा ग्रुप दो कार में था, एक कार में बॉयज तो दूसरे कार में गर्ल्स होती हैं और ये लोग ऑक्सफोर्ड में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये लोग ईस्टर फेस्टिवल मनाने के लिए अपनी दोस्त वीगार्ड के घर पर जा रहे होते हैं। उसका घर बर्फ की पहाड़ियों के बीचों बीच में था और आगे पहाड़ी इलाका होने के कारण इनके कार को एक जगह पार्क करके ये पैदल ही निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वीगार्ड अपना स्नो बाइक से इनको पिकअप करने के लिए आ जाता और अपने घर ले जाता है। दरअसल ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए ये सभी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए थे। और देखते ही देखते एंजॉय करते हुए रात हो जाती है। अब उनमें से लिव घर के बाहर ही रह रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई है, इसलिए वो भागते हुए घर के अंदर पहुंच जाती है और अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म करती है कि उसने बाहर किसी को देखा है। इसलिए वो सभी डरते हुए घर के बाहर दिखते हैं। उन्हें बाहर कोई भी नहीं दिखता, लेकिन अचानक से एक आदमी उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, क्या मुझे थोड़ी कॉफी मिलेगी। बस ये सभी ना चाहते हुए भी उसे अंदर बुला लेते हैं। कॉफी के साथ साथ वो उनकी ड्रिंक भी पीने लगता है और इन्हें ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। वो उन्हें बताता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तब नाजी लोगों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था और नाजी के सोल्जर्स का इंचार्ज कर्नल हिजॉक था। तभी हिटलर के इन लोगों के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल कर दी थी। वो उन्हें तरह तरह से परेशान करने लगे थे और इन लोगों को काफी टॉर्चर किया जाता था। पूरे 3 सालों तक इस इलाके पर नाजियों का कब्जा रहा, लेकिन जब नाजी जंग हार गए तो इन सोल्जर्स ने भी यहाँ से जाने का फैसला किया। गांव के रहने वाले लोग इन नाजियों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, इसलिए इन लोगों ने इन सभी नाजियों को मारने का फैसला किया। लेकिन इन सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर्स और उनका कर्नल भागने में कामयाब रहे, लेकिन इस इलाके में इतनी ज्यादा ठंड थी कि आगे जाकर उन लोगों की बहुत ही ज्यादा बुरी मौत हुई। और इस इलाके के बड़े बूढ़ों की कहानियां ये बताती हैं कि आज भी उन सोल्जर्स की बुरी ताकतें और आत्मा इस जगह पर मौजूद है, जो जिंदा हो जाते हैं और दहशत फैलाते हैं। अभी वो ये कहानी बता ही रहा होता है कि तभी रॉय उस पर हंसने लगता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हम सभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और इन सभी बातों पर हमें यकीन नहीं है। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे सीधा दबोच कर उससे कहता है कि जब ये पूरी ताकत से बाहर आएंगी और तुम्हारा पेट फाड़ेंगी, तब तुम्हारे मेडिकल के पास इसका कोई भी इलाज नहीं होगा। वो उन्हें वार्निंग देकर वहां से निकल जाता है। वो आदमी थोड़ी दूर जाने के बाद अपना टेंट लगाकर उसमें खाना खाने लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में उसे कुछ आहट सुनाई देती है और वो छानबीन करने के लिए थोड़ी दूर पर जाता है। तभी वहां उसे वहां पर एक ज़ॉम्बी दिखाई पड़ता है। ये देखकर वो वहां से भागने लगता है और वापस अपने टेंट में आ जाता है। उसके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी टेंट के अंदर जाकर उस आदमी को मार डालता है। दूसरी तरफ घर में वीगार्ड उसकी सुनाई की कहानी से काफी डर चुका था और उसे याद आता है कि सैरा अभी तक घर नहीं पहुंची है। सैरा दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसे हमने मूवी के शुरुआत में ही देखा था कि कुछ ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। और अब वीगार्ड सैरा को ढूंढने का फैसला करता है। सुबह होते ही वो अपनी स्नो बाइक से निकल जाता है, लेकिन जाते वक्त वो अपने दोस्तों से कह देता है कि अगर रात तक वो ना लौटे तो वो गाड़ी से जाकर किसी की मदद को उसके पास भेज दें, और इतना कहकर वो निकल जाता है। इसके बाद सभी लोग लाउड म्यूजिक लगाकर घर में मस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ वीगार्ड सैरा को ढूंढते हुए उस आदमी के टेंट तक पहुंच जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे बेरहमी से मार दिया गया है। वहां पर खून भरे पैरों के निशान भी होते हैं और वो उन निशानों का पीछा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तभी अचानक वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें घर का सीन दिखता है, जहां एक बहुत ही पुराना बॉक्स इन लोगों को मिलता है जिसमें बहुत सारा गोल्ड था। और फिर ये सभी सोचने लगते हैं कि आखिर इतना सारा सोना वीगार्ड के पास आया कहां से। ये सब बातें कर ही रहे थे कि हो सकता है ये सारा सोना उन नाजी सोल्जर्स का रहा होगा, जो उन लोगों ने यहाँ के आसपास के गांव से चुराया था, कि तभी दूसरी तरफ हम एडलिन और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस को देखते हैं, जो कि केबिन से बाहर आकर मेकआउट कर रहे थे। अपना सीन कंप्लीट करके एडलिन घर के अंदर आ जाता है, लेकिन क्रिस बाहर ही रुकती है। तभी क्रिस को अपने आसपास किसके होने का एहसास होता है और वो घबराकर एडलिन को पुकारती है, लेकिन तभी अचानक से ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और वो चीखते हुए घर की तरफ भागती है, जिससे हैना को उसकी चीख सुनाई दे देती है। इसलिए वो म्यूजिक को बंद करके बाहर देखने जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक ज़ॉम्बीज क्रिस को पकड़ कर ले जाते हैं। हैना बाहर निकलती है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हैना वाज श्योर कि उसने किसी की तो चीख सुनी थी, इसलिए वो मार्टिन, एडलिन और रॉय को बाहर देखने के लिए भेजती है। अंधेरे में वो तीनों भी बाहर निकलकर क्रिस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती।
लेकिन उसी वक्त उन्हें जमीन पे सारा की बैग गिरी हुई मिलती है, जिसे ढूंढने के लिए वीगार्ड सुबह ही निकल गया था। इससे इन्हें एहसास हो जाता है कि एक एक करके उनके सभी दोस्त इस जगह से गायब हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हैना उस आहट की वजह से डर चुकी होती है, इसलिए वो खिड़की से आसपास देखने के लिए जाती है। तभी अचानक से उसे क्रिस का सर दिखाई देता है। अब इससे पहले कि वो क्रिस से हालचाल पूछती, वो अचानक से गायब हो जाती है और ये देखकर हैना डर जाती है। उसके बाद लिव भी उसी खिड़की के पास जाकर देखने लगती है कि आखिर हुआ क्या है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके उसे खिड़की से बाहर खींचने लगता है, लेकिन सभी दोस्त किसी तरह उसे बचा लेते हैं और इसके बाद सभी लोग मिलकर घर की खिड़कियां और दरवाजे को लॉक कर देते हैं। अब तक सब ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और सबकी नजर उनके घर पड़ी थी। वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज उनके घर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान फाइट करते हुए हैना एक ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। उस ज़ॉम्बी की यूनिफॉर्म से इन्हें पता चल जाता है कि जो आदमी स्टोरी सुना रहा था वो स्टोरी झूठ नहीं थी और ये लोग वाकई में नाजी ज़ॉम्बी से घिर चुके हैं। और इसी दौरान एडलैंड, जो कि खिड़की के करीब था, वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए टिप्स देने लगता है। तभी ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और उसे ब्रूटली चीर देते हैं। दूसरी तरफ वीगार्ड को भी होश आ गया था और उसे पता चलता है कि वो एक गुफा में है और वहां पर लड़ाई का बहुत सारा सामान और हथियार रखा हुआ है। आगे उस गुफा में खुफिया रास्ता भी मिलता है जहां से वो आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे सारा का सर पड़ा हुआ दिखता है, जिसे देख वो सहम जाता है और भागता हुआ वो उस गुफा से बाहर निकल आता है। तभी एक ज़ॉम्बी इधर वीगार्ड को पकड़ लेता है। अब वीगार्ड उसे फाइट करता है कि तभी दूसरा ज़ॉम्बी भी जमीन से निकलकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ सुबह होते ही घर में मौजूद लोग एक प्लान बनाते हैं कि हमें ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, और इसी दौरान हैना और लिव बाहर जाकर उनके लिए मदद ले आएंगी। बस ये ऐसा ही करते हैं और एक तरफ जहां मार्टिन और रॉय नॉइस प्रोड्यूस करके ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, दूसरी तरफ हैना और लिव कार को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन वो दोनों रास्ता भटक चुकी थी और उन्हें कार भी नहीं मिलती। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उन्हें दिखाई देता है। सीन स्विच होकर वीगार्ड पर आता है जहां वो दोनों ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। वो उनमें से एक ज़ॉम्बी को मार भी देता है, लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। अब वो और ज़ॉम्बी दोनों पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरने लगते हैं। किसी तरह वीगार्ड के हाथ में मरे हुए ज़ॉम्बी की बॉडी की अतरियां आ जाती हैं, जिससे वो लटक कर बच जाता है। साथ में एक ज़ॉम्बी ने भी वीगार्ड को पकड़ा हुआ था। अब दोनों साथ में लटके हुए थे। किस तरह वीगार्ड ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी ने भी उसको लव बाइट दे दी थी, मतलब वीगार्ड भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हैना और लिव ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही होती हैं, लेकिन लिव ज़ॉम्बी की चपेट में आ जाती है। खुद को मरता हुआ देखकर लिव ज़ॉम्बीज को भी मारने का सोचती है और एक इलेक्ट्रिक स्टिक की मदद से बहुत बड़ा धमाका करती है, जिसमें सारे ज़ॉम्बीज मार जाते हैं। ये धमाका काफ़ी बड़ा था और ज़ॉम्बी का कर्नल हिचहॉक को भी इसके बारे में पता लग जाता है। वहीं हैना भागते हुए एक खाई के पास आ गई थी और पीछे ज़ॉम्बीज थे, इसलिए वो जानबूझकर पहाड़ी के उस हिस्से को हिलाने लगती है, जिसकी वजह से वो बर्फ का टुकड़ा नीचे गिर जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है और हैना के साथ साथ वो ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब हैना को होश आता है तो वो खुद को पूरी तरह बर्फ के नीचे दफन पाती है। बहुत मुश्किल से वो खुद को निकाल पाती है, जिसके बाद वो अपने सामने उसी ज़ॉम्बी को बर्फ में फंसा हुआ देखती है। बस उसके बाद क्या था, वो ज़ॉम्बी को मार डाला। दूसरी तरफ हम वीगार्ड को देखते हैं, वो अपने गले पर लगे हुए ज़ॉम्बी बाइट के जख्म को खुद ही सिल लेता है और वो अपनी स्नो बाइक पर मशीन गन और गोलियां डालकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। यहाँ पर मार्टिन और रॉय एक घर में छिपकर मदद आने का इंतजार कर रहे थे। वो बम बनाकर ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बम की बोतल घर में ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उस लकड़ी के घर में आग लग जाती है। वो दोनों वहां से भागते हुए घर के सामने की शेड में आ जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं और वो उन हथियारों की मदद से अब ज़ॉम्बी से लड़ने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, उन्हें ज़ॉम्बीज की आर्मी दिखाई देती है और वो उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये ज़ॉम्बीज कम नहीं थे और वो लगातार एक के बाद एक उन पर हमला किए जा रहे थे। तभी वीगार्ड अपनी स्नो बाइक से वहां पर पहुंच जाता और अपनी मशीन गन से सभी ज़ॉम्बीज को स्वैग में मारने लगता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज को मरता देख मार्टिन और रॉय फाइनली खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वीगार्ड की स्नो बाइक क्रैश हो जाती है और सभी ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। वो सारे ज़ॉम्बीज उसके हाथ पैर तोड़कर उसे मिल बांटकर खा लेते हैं। ये देखकर मार्टिन काफी गुस्से में आ जाता है और वो ज़ॉम्बीज को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से हैना आती है। मार्टिन उसे ज़ॉम्बी समझकर सीधा उसके गर्दन पर वार करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो हैना है और तभी पीछे से ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है और उनमें से एक ज़ॉम्बी मार्टिन के हाथ पर भी काट लेता है। इसके बाद मार्टिन को याद आता है कि ज़ॉम्बी के काटने पर वो भी एक ज़ॉम्बी बन सकता है, इसलिए वो अपने हाथ को बहुत पेनफुली काट कर अलग कर देता है। अब तक सारे ज़ॉम्बीज मारे जा चुके थे, इसलिए हैप्पी एंडिंग होने वाली थी, लेकिन तभी उसके सामने कर्नल हिचहॉक आता है। उसे देखकर मार्टिन और रॉय ये समझते हैं कि वो लोग उसे मार देंगे क्योंकि वो अकेला है और ये दो लोग। लेकिन तभी कर्नल कुछ मंत्र पढ़ता है और सभी मरे हुए ज़ॉम्बीज एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं। नाजी सोल्जर्स की पूरी आर्मी अब रेडी हो चुकी थी। ये देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तू ये क्या कर रहा है? लेस बांध रहा ताकि तेज भाग सकूं। मेरे को क्या लगता है तू शेर से तेज भाग सकता है? पागल हो गया क्या? शेर से तेज किसको भागना है? मुझे तो सिर्फ तुम तीनों से तेज भागना है।
और वो दोनों अपने आप को बचाने के लिए वहां से तेजी से भागने लगते हैं। भागते हुए रॉय के पेट में पेड़ की टहनियां घुस जाती हैं, लेकिन वो फिर भी भागने लगता है, जिससे उसकी अतरियां बाहर आ जाती हैं और वो बहुत ही पेनफुल मौत मारा जाता है। इसके बाद कर्नल रॉय के पास आता है और उसकी बॉडी के पास से उसके पॉकेट में खजाने से चुराई गई घड़ी को अपने पास ले लेता है। ये देखकर मार्टिन समझ गया था कि ये सारे ज़ॉम्बीज इंसानों के पीछे नहीं बल्कि उस खजाने के पीछे हैं जो कि इनके पास था, इसलिए वो उन्हें मार रहा था। वो फौरन घर के पास जाता है जो जल चुका था। वो वहां से खजाने का डिब्बा कर्नल को वापस कर देता है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं। उसके बाद मार्टिन जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है और वो कार में बैठकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसके पॉकेट से खजाने का एक सिक्का बाहर गिर जाता है, जिसे जानबूझकर हैना ने उसके पास रखा था। बस फिर क्या था, वहां कर्नल भी सडनली पहुंच जाता और सिक्के को लेने के लिए कार का शीशा तोड़कर मार्टिन पर अटैक कर देता है, जिसका मतलब कि मार्टिन भी मारा गया। यहां हम समझ पाते हैं कि सबसे पहले सैरा ने उस खजाने को चुराया था, इसलिए सबसे पहले वो मारी गई। और इसी के साथ ये मूवी यहां पर खत्म हो जाती है। अब इसका सेकंड पार्ट भी आया हुआ है, तो अगर तुम्हें उसे एंजॉय करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो। बाकी अगर तुम्हें कोई और मूवी देखनी है तो लेफ्ट या राइट साइड पर क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। बाय।